आपके पास रेडमी पोको एम आई सोमी का कोई भी फ़ोन है, उसमें आप जब एयरबड्स या फिर एयरपोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ़ोन से तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपको कोई भी एरर आ रहा है, जैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ वो कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, गोल गोल वहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्च बार दिखता है, यहाँ पर आपको केवल डालना है रीसेट। जैसे आप रीसेट डालेंगे, ऊपर ही आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, इस तरीके से। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको सबसे पहले रीसेट सेटिंग को यहां से इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, फिर आपको यहां से बैक चलना है। बैक चलने के बाद आपको यहां पे डालना है अब सॉफ्टवेयर अपडेट। यहां सॉफ्टवेयर अपडेट डालेंगे, आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं डाल पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बैक होना है इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर ही आपको दिख जाएगा अबाउट फोन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह यहाँ पे अपडेट आपको दिख जाएगा। फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आप यहां से बैक जाएंगे। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको फिर से अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे इससे बैक आना है और यहां पे मोबाइल का जो पावर वाला बटन है उसे आपको दबा के रखना है। दबा के रखेंगे आपको अपने फ़ोन को अब यहां से रीबूट करना है। तो चलिए इसे हम यहां से रीबूट कर देते हैं। यहां से मैंने रीबूट कर दिया है, अब ये ऑटोमेटिक ऑन होगा। जब तक ये ऑन होता है तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप भारत में किस स्टेट से हैं या फिर अदर कंट्री में कहाँ से हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो ये देख सकते हैं हमारा फोन है वो ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इस तरीके से नजर आएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से ऊपर से एक बार इस तरीके से स्क्रॉल करना है, ब्लूटूथ इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको सेटिंग में जाना है, फिर से सेटिंग में आप जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ खोलेंगे इसे और यहाँ पे ये देखो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल आपको इसे घूमने देना है। आपको यहाँ पे अपने एयरबड्स हैं जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से बाहर निकालना होगा। जो स्पीकर होते हैं उन्हें आप इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे खुला छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नेम आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे नेम आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो फिर से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक, कैंसिल और पेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पेयर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर से क्लिक कर देना है, पेयर होगा और यहाँ पे पेयरिंग होगी और यहाँ पे आपको पेयर कर देना है। बस इतनी सी सेटिंग आपको करनी है, आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, एयरबड्स है या यहाँ पे आपका जो भी है एयरपोर्ट्स हैं, एयरबड्स हैं, ये कनेक्ट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ, वीडियो आपको कैसी ली कमेंट पर हमें जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।